चाबी चाबी रख दो, चाबी भी रख, चाबी कहाँ है? ये आ चुका है लैपटॉप नया नया। ओए होए 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 ओए होए होए होए, राइड जब नहीं होती ना तो अधूरा अधूरा सा लगता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल ओवर, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय YouTube चैनल MSK। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। हमारे जिंदगी के 11,190 दिन की शुरुआत बड़े ही लेदी। हमारी जिंदगी की 11,190 दिन की शुरुआत होती है बड़े ही लेजी अंदाज में। दिन के वक्त मेरे दिमाग में काफी सारे थॉट चलते रहते हैं, लेकिन यही थॉट रात को दुगने होकर दौड़ने लगते हैं, और जब सुबह उठता हूं ना तो जीरो थॉट, कुछ याद नहीं रहता है। सुबह उठने के बाद 5 मिनट लगते हैं ये सब चीजों को रिकॉल करने में कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, क्या करना है, क्या मेरे ड्रीम है, व्लॉग बनाना है, सब कुछ करना है। और ये सब चीजें प्लानिंग होती है आंख बंद करके, बिस्तर में आंख बंद करके सब कुछ याद किया जाता है, और सब याद आने के बाद फिर बिस्तर से उठता हूँ, आंखें बंद होती है, फिर चलता हूँ, फिर ब्रश करता हूँ, मुंह धोता हूँ, उसके बाद फिर ऑफिस जाना पड़ता है, फिर ऑफिस से बाहर आता हूँ 1 किलो वजन कम करके, तो काफी अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, और फिर दिन की शुरुआत होती है एक चाय की चुस्की से। थैंक यू। 2,000 करोड़ साल बाद चाय की चुस्की। चीयर्स। क्या करो जी, बाजीरो बन गए। ये जो ऊपर के आप दो शेल्फ देख रहे हैं 1-2, ये सिर्फ और सिर्फ बनाया गया था हेलमेट्स रखने के लिए, जिसमें से ज्यादातर जो हेलमेट है वो अभी यूज होते नहीं है। जो यूज होते हैं वो है ये वाला हेलमेट और वो वाला हेलमेट और ये वाला हेलमेट। ऊपर जो हेलमेट रखा हुआ है वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो है यहाँ पर जैकेट के लाइन में अच्छा नहीं दिख रहा। ये है शफीक। शफीक हाय बोल दो। हेलो। सलाम भी कर दो। सलाम बेटी। अस्सलाम वालेकुम। शफीक जो अपना हेलमेट रखता है वो रखता है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे हेलमेट अच्छे नहीं लगते, क्योंकि यहाँ पर कुछ और अगर चीज रखी जाए तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो ये जो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अच्छा लगाने के लिए हमने अमेज़न से ये हेलमेट हैंगर ऑर्डर किया है 3। अब ये कहाँ लगेंगे शफीक, थोड़ा बताओ। तो यहाँ पर हमारा शू रैक है, शू रैक के ऊपर यहाँ पर होगा हेलमेट टंगाने का सिस्टम। यहाँ हेलमेट होगा, यहाँ नीचे चाबी होगी। चाबी इंपॉर्टेंट, जो चाबी रखने का इंतजाम हम करेंगे वो यही रखेंगे, और सब चाबी यहीं पर रखेंगे। स्पेशली इसको देख के मंगाया गया ताकि चाबी भूलने का कोई टेंशन नहीं होगा। ये है हमारा जादू का पिटारा जिसको हमने लाया है मल्टी यूनिवर्स से। ये गन सारा कमाल करेगा, ये लाइन सीधा ड्रॉ करने के लिए, दीवार पे खड्डे करने के लिए। इतना हाइट वर्स है। थ्योरी वाला जो काम है वो हो चुका है, बस अभी प्रैक्टिकल करना है। डिजाइन रेडी है, एग्जीक्यूट करना। तीनों हुक अच्छे से एकदम लग गए हैं। जरा हेलमेट लगाइए इसके ऊपर। अब देखो ये वाला वॉल। चाबी चाबी रख दो, चाबी भी रख। चाबी कहाँ है? परफेक्ट। ऐसी छोटी छोटी चीजों को ऐसा खूबसूरत बनाने को बड़ा मजा आता है। ताजमहल को बनाने के पीछे जो कारीगर थे ना, तो इसको बनाने के पीछे ये नाचेस के हाथ थे, इनके भी हाथ थे, मेरा भी हाथ था। शफीक वो रद्राना, खेती जहाँ से ठीक से होती नहीं है, क्या वहाँ पर खेती उग रही है? नहीं तो ये ऐसा नहीं है कि 1 महीना लगाने के बाद उगना चालू हो जाए, ऐसा ये लगातार लगाना पड़ता है। इधर हाथ रखो। मैजिक बाबा भौकाल। पॉपल पॉपल नाम है जी। नहीं शफीक पसंद आया तुझे कलर? आई लाइक द पॉपल। परफेक्ट। ये हो गया जी हमारा लैपटॉप फुल्ली प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड। आप लोगों को बताया, ये जो मेरा नया मैकबुक एयर है ना, ये मैंने लिया था फ्राइडे के दिन, और सैटरडे को मुझे कॉल आता है कि मेरा जो पुराना वाला मैकबुक प्रो है वो बनकर रेडी हो गया है। तो मतलब सिर्फ 1 दिन के लिए मैंने नया लैपटॉप लिया था। क्वेश्चन मार्क। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को, क्या लगता है कि ये समझदारी है या बेवकूफ़ी है या अमीरी है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपनी भावना प्रकट करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि 1 दिन के लिए 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करना, कहाँ की समझदारी या फिर कहाँ की बेवकूफ़ी या फिर कहाँ की अमीरी, ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा मैकबुक प्रो तैयार हो चुका है, तो जाना है खार, वहाँ जाके अपना लैपटॉप लेके आना है, और आज चलाएंगे टाइगर। काफ़ी दिनों बाद चालू कर रहे हैं, तो कोल्ड स्टार्ट करेंगे पहले। अस्सलाम वालेकुम बाबा।
दरगाह कितना खूबसूरत लग रहा था। दरगाह के पीछे अभी सनसेट हो रहा है और वो सनसेट का जो रिफ्लेक्शन है पीछे से आता हुआ देख के काफी अच्छा लगा। ओके साउंड सेइंग 1 2 3। दोपहर के वक्त अगर कहीं जाना हो ना तो अवॉइड ही करता हूँ मैं। पूरे देश में चल रहा है हीट वेव, पंगे क्यों लेने का। और अगर जरूरी काम ना हो ना इस टाइम पे तो दोपहर के टाइम घर से बाहर मत निकलो क्योंकि बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे टाइम पे। हले। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो जिंदगी में तुम, राइट साइड में जगह थी निकल लो, लेकिन नहीं खुन्नस देना है। अरे ठीक है यार, टैक्सी वाले हैं, थोड़ा रुका के कस्टमर ले रहे तो लेने दो भाई, क्यों गुस्सा कर रहे हो। क्या मस्त मस्त हवाएं चल रही है, अच्छा लग रहा है। अगर आपको एक सहूलियत लेना है तो कुछ चीज ऐसी होती है जो आपको कुर्बान करनी पड़ती है। दोपहर में गर्मी होती है लेकिन इतनी ट्रैफिक नहीं होती है, और जब शाम के वक्त गर्मी का प्रकोप कम हो जाता है तो फिर ट्रैफिक बढ़ जाता है। ट्रैफिक फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, गर्मी नहीं। 5 मिनट का काम है, बस अभी लैपटॉप लेना है फटाफट और निकलना है, बस उसी का वेट कर रहा हूँ। ये आ चुका है लैपटॉप नया नया, वाह एकदम नया नया हो चुका है। तो बेसिकली डिस्प्ले ठीक करने का जो खर्चा था वो लगभग मैंने बताया था 42,575, लेकिन जो सिर्फ 5% पे करना पड़ा जो कि था 224। बस इतना पे किया और अपने को नया डिस्प्ले मिल गया, तो इंश्योरेंस का फायदा तो होता है। चलिए अपना काम हो गया, चलो चलो चलो। ओए होए 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 ओए होए 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 चुम्मा दे देता अभी ऑटो वाला। अभी हमारे पास हो चुके हैं दो दो लैपटॉप, ये दोनों में से कोई एक लैपटॉप मेरा बैकअप लैपटॉप होगा, और मुझे लगता है कि ये जो बन के आया है यही बैकअप लैपटॉप होगा, बिकॉज इसका वारंटी खत्म होने को है और इसका जो वारंटी है वो 1 साल का है। ये ना बैकअप वाला जो फंड है ना ये बहुत ही सही काम करता है, इससे ना अपना काम रुकता नहीं है। ओके ये है मेरा बैकअप और ये है मेन कैमरा। इस मेन कैमरे को गोवा में कुछ हो गया था, गोवा में सारे व्लॉग्स फिर हमने इससे शूट किए। ये वाले कैमरे में जो मैं लेंस यूज कर रहा हूँ वो है 1635 2.8 जो कि मेन लेंस है हमारा। अगर उस लेंस को कुछ हो जाए तो ये बैकअप लेंस। ये है मेरा मेन मोटो ब्लॉगिंग गोप्रो और ये है बैकअप मोटो ब्लॉगिंग गोप्रो। ये है मेरा मेन ड्रोन, ये है मेरा बैकअप ड्रोन, ये है मेन, ये बैकअप। कभी भी अगर जिंदगी में कुछ हो जाए तो इमरजेंसी में पहुंचना है तो ये बैकअप। इसके पास बैकअप बाइक भी है हमारी जिसका नाम बबली रखा है हमने। तो लाइफ में क्या है ना कि बैकअप मैं लेके चलता हूं ताकि मेरा काम रुके ना जब मैं चाहूं। जब मैंने आप लोगों से कहा था कि Q&A के लिए आप हमसे क्वेश्चन पूछेगा हम उसका जवाब देंगे, मैंने कहा था कि क्वेश्चन रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है कि हमारे इस YouTube की जर्नी में हमें नए लोग ज्वाइन करते रहते हैं टाइम टू टाइम, उनके लिए वो क्वेश्चन नया होता है, मेरे लिए वो क्वेश्चन पुराने होते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो है कि आप बिजनेस क्या करते हो, आपका एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, यूट्यूब से पहले क्या करते थे। तो अरे इससे पहले भी मैंने काफी Q&A वीडियो बनाए हैं, अगर आपके सवाल का जवाब नहीं मिला इसका मतलब ये कि वो क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले दे दिया है, तो मेरे YouTube चैनल में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ये पूरा व्लॉग मुझे बनाना था Q&A के ऊपर, लेकिन हमारे 11,190 दिन की स्टोरियां काफी है तो व्लॉग थोड़ा ज्यादा लंबा बन जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा Q&A करेंगे फिर उसके बाद में नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। पहला सवाल बहुत ही बेसिक, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू लर्न हाउ टू राइड अ बाइक। 18 साल का था। उससे पहले मैं थोड़ा चलाना जानता था लेकिन हाथ साफ नहीं था, तो बाइक मैंने अपनी खरीदी R15 और उसी पे मैंने बाइक चलाना सीखा। जब आप बाइक चलाना सीखते हो ना तो एक सिंपल रूल को फॉलो कीजिएगा कि शुरू में आपकी जो चलाने की स्पीड होगी बाइक की वो 30 और 40 उससे ज्यादा नहीं जाना है 1 महीने तक। ये क्यों, ये करके देखो ऑटोमेटिकली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। काफी लोगों ने ये भी सवाल पूछा था कि नेक्स्ट राइड कौन सी होने वाली है। जैसे कि मैंने बताया आपको हीट वेव चल रहा है, राइड का कोई प्लान नहीं है, लेकिन काफी सारे हमारे राइडर फ्रेंड्स हैं जो राइड कर रहे हैं पहाड़ों की तरफ, क्योंकि बाकी हिंदुस्तान में पहाड़ों को छोड़कर अगर कहीं राइड किया जाए तो गर्मी है गर्मी, और अभी तक राइड प्लान हमारा कुछ हुआ नहीं है, बट सोच रहे कि एक छोटा मोटा कोई ऐसे राइड तो हो ही जाए। काफी टाइम हो गया राइड पे गया नहीं हूं, राइड जब नहीं होती ना तो अधूरा अधूरा सा लगता है। विशाल हमसे कहते हैं, डू यू थिंक ऑफ मॉडिफाइंग एक्सपल्स एंड मेकिंग अ कंप्लीट डर्ट बाइक, बाय द वे लव फ्रॉम जम्मू। विशाल भाई, जब मैंने एक्सपल्स को खरीदा था तो प्लान मेरा वही था और वो अभी भी है, बस थोड़ा सा समय का पंगा हो रहा है, अदरवाइज हमारा प्लान तो वही है एक्सपल्स को लेके कोई लंबी राइड नहीं करनी थी, बस ऐसे ही ट्रेल राइडिंग करनी थी जो कि अभी भी हो सकती है स्टॉक बाइक पे, लेकिन उसको अगर रैली किट लगाया जाए तो फिर तो 4 चांद लग जाते हैं। अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पढ़ रहा था और मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक यूट्यूब पे लाइव सेशन किया जाए, जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं हमसे रिपीटिवली क्वेश्चन ना हो वो कमेंट करके बता दीजिएगा, वो सारे के सारे कमेंट जिन्होंने किया है उनका नाम लेके हम यूट्यूब पे एक लाइव करने का प्लान कर रहे हैं, ये बढ़िया होगा। पिछले महीने माई प्रोटीन का एक सेल चल रहा था, उसी सेल में हमने ये ऑर्डर किया हाई प्रोटीन बार कुल्फी फ्लेवर। मेरे प्रोटीन सारे खत्म हो चुके था, मैंगो फ्लेवर, मैंगो का जमाना चल रहा है, मैंगो खाने के लिए रत्नागिरी जाने का प्लान है, हाइड्रेशन
बॉटल, छोटा सा क्यूट सा, हमारे पास जो है वो बड़ा वाला टीपिंग रोप एंड माय फेवरेट कार्ब क्रशर, बाकी तो ये क्लोथिंग। तो हमारी जिंदगी का 11,109 दिन यहाँ पर होता है समाप्त। सब्सक्राइब करके जाना। डॉक्टर स्ट्रेंज का बॉक्स, इसको हमने मल्टीवर्स, मल्टीपर्पज, अरे नहीं लिख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, दिमाग में काफी सारे थॉट चलते रहते हैं, लेकिन यही थॉट रात के वक्त दुगने होकर दौड़ने लगते होकर। Oh, wow.